दोस्तों, अधिकतर लोग इस जीवन में जीवन का अर्थ ही नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वामी रामतीर्थ ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसकी कोठी अत्यंत सुंदर और भव्य थी। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत शोहरत सब था। एक दिन उसके घर में आग लग गई। सेठ बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ गया और नौकरों को निर्देश देने लगा कि कहां कौन सी चीज रखी है और किसे पहले निकालना है। लोग अंदर जा रहे थे और कीमती चीजों को लेकर बाहर आ रहे थे। जितना संभव था वे चीजों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। आग बढ़ती ही जा रही थी। जब मकान पूरा आग की लपटों में आ गया तो सेठ अचानक से जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने उसे समझाया कि अब रोने से क्या फायदा, धैर्य धारण कीजिए। तब सेठ ने कहा, मैं अपनी मूर्खता पे रो रहा हूँ। मैं तमाम चीजों को बचाने में लगा रहा, लेकिन मेरा बेटा अंदर ही सो रहा था। मैं उसे भूल ही गया। मैंने इन सब चीजों को बचाया, लेकिन जो इनका उपभोग करने वाला था उसी को भूल गया। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, इस संसार में हम सभी लोग यही भूल करते हैं। संसार की वस्तुओं को बचाने में अपना जीवन ही दांव पे लगा देते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में क्या जोड़ने में लगे हैं? पैसा, बंगला, गाड़ी, कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं बोल रही कि ये सब बेकार है, लेकिन जब तक जीवन का अर्थ समझ नहीं आएगा तब तक इस जीवन में होना व्यर्थ है। जीवन में कितनी भी चीजें इकट्ठा कर लो, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर भी मोह के बंधनों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। लोगों के दिमाग में ये चीज बुरी तरह फिट हो चुकी है कि पैसा कमाना, सबको पीछे करके आगे निकलना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेना और एक आरामदायक जीवन जीना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। लेकिन जीवन का असल सत्य तो आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध को इसकी प्राप्ति हुई थी। वो राजा थे, पर जीवन के सत्य को जानने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था और आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। अगर आप भी आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान करने से इसकी शुरुआत की जा सकती है। प्रतिदिन ध्यान करने से आप स्वयं को जानना शुरू करेंगे और वास्तविक जीवन क्या है ये समझ आएगा। सच तो ये है कि इस जीवन में सबसे कीमती और अनमोल चीज आपका जीवन ही है। आप जीवित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको यदि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए आपका जीवित होना भी तो जरूरी है, वरना मृत्यु के बाद का तो किसने क्या ही देखा है। ये तो एक अनसुलझा रहस्य है। इसलिए दोस्तों, हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म ही आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद अगर आपको इस जीवन का मूल्य समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए ऐसी ही स्पिरिचुअल और लाइफ चेंजिंग कहानियां लाती रहूंगी।